हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसएससी वाला। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लाने का काम करेगा वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये बयान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब से कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया नियोजन नीति का, तब से इसका बयान सुनने के बाद छात्र काफ़ी आक्रोश हो जाते थे। जलूल फलूल पता नहीं कुछ नया बयानबाजी करता था। जितना गिरगिट रंग में बदलता उतना इसका बयान में रंग बदलता था। ठीक है, बयान आपको देखे ही होंगे, कुछ ही बोल देता था। ठीक है, कभी बोलता सुप्रीम कोर्ट जा रहे, कभी बोलता हम यहीं ठीक कर दें, कभी बोलता है कि समीक्षा चल रहा है, कभी बोलता हम कागज़ मंगाए वहाँ से, जो भी है ऐसा करके। लेकिन ये पहली बार ऐसा बोला है कि इस जो नियोजन नीति है, इसी लड़का परेशान ना हो, उन लोग के लिए हक में काम किया जा रहा है और उन लोग को बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाहरी लोग को ज़्यादा, बाहरी लोग नहीं, जो झारखंड के मूलवासी उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नियोजन नीति इसी महीना तैयार हो रहा है, ये खुद अपने मुँह से बोल दिया, इसी महीना तैयार हो रहा है। और जैसा कि आपको दो दिन पहले पता ही होगा कि हेमंत सोरेन हरी झंडी दे दिया है और कैबिनेट का मीटिंग किया था और लगभग देखने को सारे तरह से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इससे मतलब यही हो रहा है कि आपका नियोजन नीति इस महीना लगभग 26 जनवरी तक तय माना जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सबका बयान सच्चा हो और सब छात्र यही निगाह से देख रहे हैं कि बयानबाजी सबका पॉजिटिव हो और रिजल्ट बढ़िया निकले, देखने को मिले। ठीक है, और हमें भी लगता है कि बन जाना चाहिए, क्योंकि इतना जोर शोर से काम चल रहा है। सब मंत्री बयान को सुनिएगा, सब बोला कि अब काम हम लोग जोरों से इसी पे कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग पास अभी कुछ ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। ठीक है, इन लोग सोचा होगा, कुछ बिचारा होगा, आपस में डिस्कस किया होगा कि मान लीजिए कोर्ट उठ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वहाँ खींच देगा, मान लीजिए लंबा खिंचा गया तो फिर तो हम लोग चुनाव भी चला जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि लड़कों को नौकरी देना बहुत ही जरूरी हो गया, क्योंकि बेरोजगारी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 18% बढ़ गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ तो 2000 में तो छत्तीसगढ़ क्या होते, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ देखिए वहाँ का 3.5% बेरोजगारी दर है, फिर उत्तराखंड में कितना है, 4% है, छत्तीसगढ़ में 4-5% ऐसे करके, और झारखंड में 18% सोच सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में है। तो इन लोग कहीं ना कुछ सोचा ही होगा स्टूडेंट के प्रति। इसलिए ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि आप लोग अभी भी तैयार, अभी भी अलर्ट नहीं हुए, अलर्ट हो जाइए और अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नियोजन नीति में अब ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बनने को लगभग तैयार हो गया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि नियोजन नीति बना के जैसे ही बन जाए तुरंत अपडेट दे दे, कुछ एग्जाम डेट एक डेट मिलेगा और एक ही डेट देगा, इस बार डेट चेंज नहीं किया जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। जब भी डेट देगा उसी डेट में एग्जाम लिया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे जितना जल्दी हो सके डेट दे दे। और ठीक है, ये बयानबाजी सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कि ऐसा, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग थे क्योंकि इसका बयानबाजी उल्टे पलटे रहता था, अभी कुछ पॉजिटिव देखने को मिला इसका बयान में। इसीलिए हमें लगा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोग तक बता, हालांकि आप लोग तो पता चले जाता है, लेकिन चलिए मेरा जुड़े हुए बहुत दिन से तो बना देते हैं ऐसे, चलिए ताकि आपको ऐसे मोटिवेशन मिल सके, ताकि पढ़ने में मन नहीं करे तो पढ़ लीजिएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग उम्मीद रखिए और जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि उन लोग भी अलर्ट हो चुका है, सारे नेता मंत्री ने, और अभी वैसे भी चुनाव है रामगढ़ में, पता ही है उपचुनाव, तो थोड़ा बहुत इन लोग भी सोचा ही होगा कुछ ने, ऐसे थोड़ी उन्हें फास्ट तरीके से करा जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है इस बार बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब तो कन्फर्म है नियोजन नीति सीमा में, पहली बार इसके मुँह से कुछ अच्छा निकला स्टूडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जाने से पहले एक छोटा सा बात बोलना चाहते हैं कि यदि सीजीएल के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डेली 2 से 3 क्लास डलता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का लेवल देखिएगा दोस्तों, आपको पसंद आएगा, पक्का पसंद आएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिहार सीजीएल में क्वेश्चन देखने को मिला था, और ठीक ऐसे ही पैटर्न आपको झारखंड सीजीएल में क्वेश्चन आएगा अभी, देखिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि ना रेलवे और एसएससी वाला क्वेश्चन सिर्फ आएगा, तो उस चीज़ भूल जाइए, जब तक हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उस टाइप पैटर्न देख लीजिए किस टाइप का, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, जुड़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़िए, वहाँ पर पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज का जो भी पीडीएफ होता है टेलीग्राम में डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है JSSC वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग तैयारी में सीट बेल्ट बांध दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।